हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर सेफ एंड फाइन। आई एम फाइन टू। सो आज एक लड्डू रेसिपी है। आप लोगों को देख के पता चल गया होगा, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि लड्डू काला क्यों है। क्योंकि ये अलसी से बनता है। ये वेट लॉस वालों के लिए, डायबिटिक्स वालों के लिए, जिसका जोड़ों के दर्द रहते हैं, ओल्ड पीपल को, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। अलसी बहुत अच्छा है। तो हमेशा खाली तो ऐसे नहीं खा सकते, तो कभी कभी हम लोग लड्डू बना के कोई दूसरे हिसाब से हम लोग खा सकते हैं उसको। सो मैं आज आप लोगों के लिए लड्डू बना के लेके आई हूँ। बहुत हेल्दी एंड ईजी रेसिपी है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। ये है अलसी, इसको यूपी बिहार में तीसी भी बोलते हैं। सो ये 1 ग्लास, इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, नॉर्मल फ्राई, ऑयल नहीं डालना है, बस फ्राई करना है। उसके बाद कोई कोई आटा लेते हैं, मैं यहाँ पे राइस ली हूँ, आप लोगों को अगर आटा चाहिए तो आटा ले सकते हैं। उसको भी फ्राई करना है, अच्छा ब्राउनिश कलर का हो जाए तब तक आप लोगों को फ्राई करना है। इसको भी 1 ग्लास ही लेना है, मीन्स तीसी एंड राइस सेम क्वांटिटी का लेना है आप लोगों को। अगर कप में ले रहे हो तो 1 कप 1 कप, और जितना आप बनाना चाहते हो। ये देखिए ऐसे फूलना चाहिए तीसी, जब ऐसे फूल जाए तो ये परफेक्ट फ्राई हो गया इसका। अभी ये अलसी एंड राइस दोनों को ग्राइंड करना है, लेकिन अलग अलग ग्राइंड करना है। एक साथ करेंगे तो उसका प्रॉपरली ग्राइंड नहीं होता है, सो अलग अलग ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा मेथी और जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं ये भी हम लोग डालना है इसमें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। और उसके साथ काला जीरा, थोड़ा सा कम काला जीरा, एंड मेथी थोड़ा सा ज़्यादा। इस दोनों को एक साथ भून लेंगे। थोड़ा रेडिश कलर का आता है ये, जब मेथी जब अच्छे से भुन जाता है। देखिए ये ऐसे भुनना है, फिर हम लोग इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अभी एक कढ़ाई में पानी गरम कर लेंगे, क्योंकि मैंने 1-1 ग्लास का राइस एंड पीस ली थी, सो मैं 2.5 ग्लास वाटर मीन्स पानी ले रही हूँ इसमें। इसमें मेरे हिसाब से मैं गुड़ मिला रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा मिलाना है क्योंकि ये स्वीट भी लगना है ना, लड्डू है। इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है, जैसे बॉयल हो जाए, और जैसे हम लोग गुलाब जामुन में एक तार बोलते हैं जब होना चाहिए, इसमें से 2 तार होना चाहिए। उसको बॉयल होने देते हैं। ये मेरा तीसी का पाउडर, ये मेथी का पाउडर और चावल का पाउडर मैंने ऑलरेडी इसमें डाल के रखा है, तो ये तीनों को यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है। मेरा और एक भी चैनल है जिसका नाम है बीआर दिल से, वो ब्लॉग चैनल है, वो मेरी फैमिली के साथ रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए इस चैनल की तरह। अभी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से मिला लिए। अभी इसमें घी भी थोड़ा लगता है, 200 ग्राम, और ड्राई फ्रूट्स आप लोग जो देना चाहे, उसको फ्राई करके देना चाहो तो आपकी मर्जी, और थोड़ा सा ग्राइंड करके उसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया था। घी को इसमें ही डालना है, वो मिक्सचर में नहीं डालना है। अभी ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल देंगे, एंड उसके बाद वो जो मिक्सचर है वो भी इसमें डाल देंगे। सिम करके ये सब डालना है, क्योंकि अच्छी तरह से हम लोगों को मिलाना है, गट ना रह जाए कहीं पे, मीन्स पाउडर सब अच्छी तरह से मिलेगा तो ही हम लोग उसको लड्डू बना पाएंगे। और जो गुड़ का 1 तार या 2 तार बोलते हैं ना, मुझे नहीं आता है कैसे बनाते, वो कैसे करते हैं, मैं उसका पानी और वो थिकनेस देख के मुझे पता चल जाता है। सो देखिए ये अच्छी तरह से मिल गया है, और थोड़ा बॉयल करने के बाद, और थोड़ा बॉयल होने के लिए छोड़ने के बाद ये ऐसे मॉइस्चर आना चाहिए इसका। कढ़ाई में पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ना है, जैसे कि थोड़ा सा कोल्ड होने के बाद ऐसे पोश्चर आए। और हम लोग वार्म वार्म ही लड्डू बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग पूरे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे ना तो वो बिखर जाएगा। सो वार्म वार्म ही लड्डू बनाना है, ये याद रखिए, एंड ऐसे ही पोश्चर आना है, और ये हम लोगों का लड्डू तैयार। आप लोगों को पता चल गया होगा रेसिपी कैसे बनाना है, और कितना जल्दी बन जाता है, और कितना अच्छा है। आजकल तो सबको वेट लॉस की पड़ी है, शुगर सबको आ रहे हैं, तो आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए। ये हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी रहता है। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूल। मेरी और एक भी ब्लॉग चैनल है जिसका नाम बीआर दिल से है, उसको भी फॉलो करना मत भूलिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।